ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शङ्खै स्वात्मनिस्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वशौ नस्तु अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद की अद्वैत नाम अलग शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार करना हुआ है। चतुर्थ प्रकरण अलग शांति नाम, ये अलग शब्द का जो अर्थ सामान्य मशाल भी होता है, मैं बोला ला धातु आदान दाने चाहे उसका निष्ठा रूप है ला, तो मतलब जहाँ पे देन लेन देन होता है, और अला तो जहाँ पे सारा व्यवहार बंद हो जाता है, ये हो गया अला। तो यहाँ पे जो आकार आदि देखते हैं मशाल की घुमाने के कारण, उसकी ना उत्पत्ति होती है नाश होती है, केवल प्रतीति मात्र होती है। इसी को दृष्टांत के रूप में कहना चाहता है ग्रंथ का, किसके लिए, किस प्रतीक के वाक्य के, जायते जीव संभव दर्शन एतत्तत्तम सत्यम यत्र किंचित न जाए, यत्र किंचित न जाए सबसे उत्तम सत्य है वेदांत की। तो इस विषय को, इस प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत के रूप में अलग शांति को कहना चाहता है। अलग अब वो जो है अपने आप ही शांत ही है, उषायन प्रकाश, इसलिए प्रकाश का दृष्टांत दिया, और उसी प्रकाश में ही सारा आकार दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा सा मनोवृत्ति दिखाता है, चित्त वृत्ति दिखाता है। तो अलग शांति प्रकरण में पहला क्या किया है ग्रंथ का, कि ग्रंथ के निर्विघ्न परिसमाप्ति और सुष्ठु उपचार के लिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते हुए एक उपदेष्टा मतलब भगवान नारायण बद्रीनाथ में वहाँ पे बैठ कर तपस्या करने के बाद नारायण की कृपा से उनको नारायण ने उपदेश किया था, उसको नारायण से मतलब छूटते भी हो सकता है कि हम उसके बाद ऊपर देखते हैं, तो उनके उपदेश से उनको जो है ये आजाद बात जो है समझ में आया। तो पहले गुरु प्रणाम किया, अब उसके बाद जिस विषय को भगवान ने कहा उस विषय को नमस्कार, क्योंकि इस विषय को यदि कोई व्यक्ति अपनाएगा तो निश्चित ही मनुष्य जीवन की सफलता निभा, इसलिए अब उसका नमस्कार करते हैं सुनने वाले साधक के अंदर इस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, है ना, साधक के अंदर इस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए है विषय को प्रणाम करते हैं। तो पहले उपदेष्टा, और उपदेष्टा के द्वारा जो उपदेश किया गया है उपदेश के वेदांतिक बार बार पूरा के पूरा जो है वेदांतों के प्रति मन झुक जाए, यही उनके प्रति नमस्कार है, ये मुख्य सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए टीका काट जाए, कल हम लोग पूरा के पूरा पहला नंबर तो पूरा हो गया था, तीन दिन के इसमें पूरा हुआ पहला, मतलब प्रकरण प्रारंभ माने प्रतिपद्य प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य, किसी नया प्रकरण शुरू करना चाहते हैं तो आपको प्रमेय के बारे में प्रतिज्ञा करना चाहिए, अपने उपदेष्टा को नमस्कार करना क्यों शुरू कर दिया, बोलते हैं कि उपदेष्टा के नमस्कार के माध्यम से हमने प्रतिपाद्य विषय को भी बता दिया, देखा ना उपदेष्ट नमस्कार मुखे न ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री वेद रही तम परमार्थ तत्व दर्शन विधि प्रकरण, इसी को इस प्रकरण में प्रतिपादन करने की इच्छा है, और इसके विरोध में जो द्वैतवादी है उनके सिद्धांत को भी थोड़ा तरह निराकरण कर दिया। अब टीकाकार अगले की टीका को उद्घाट दे रहा है, इदानीम अद्वैत दर्शन योगस्तुतये तन्नमस्कारं प्रस्तौति, ठीक है, क्या लिखा है, अब मतलब उपदृष्टि नमस्कार के बाद अद्वैत दर्शन है ना, अद्वैत सिद्धांत है और वही जो है योग है, क्या है योग का नाम, अस्पर्श योग, योग का नाम क्या है, अस्पर्श योग, अस्पर्श योग क्यों बोलते हैं, जो भी
कि हमारे स्वरूप यह सर्वथा असंस्पृष्ट है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। और उस अब हमें अपने शरीर के साथ अपने को जोड़ रखा, बुद्धि ने शरीर के साथ अपने को जोड़ रखा, क्या करना है तो स्वरूप के साथ जोड़ना, अस्पृश्यता के साथ, किसी स्पर्श योग युद्धति योग जिसके द्वारा जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ेंगे अभी हम, ये अनाशन स्पर्श मतलब क्या, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, न मैं कष्टी न माम कष्य थी, न मैं किसी का हूँ न मेरा कुछ है संसार, बस एक असंग पूर्ण व्यापक सत्य शुद्ध है। इस तत्व को समझाने के लिए यहाँ पे पहले उसका नमस्कार करते थे, सुनने वाले मन में इसके प्रति रुचि उत्पन्न। इदानीम अद्वैत दर्शन योग, अद्वैत दर्शन संबंधी जो योग है ना, उसकी स्तुति, उसकी स्तुति करने के लिए तन नमस्कार प्रस्तुत, उसकी तो दर्शन निषिद्धांत के प्रति नमस्कार को प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ का। 14 नंबर टिप्पणी तन नमस्कार मतलब अद्वैत दर्शन योग नमस्कार स्पर्श योग के प्रति नमस्कार करते है ना, स्पर्श योग अद्वैत दर्शन मतलब, अद्वैत दर्शन योग मतलब स्पर्श योग है ना, अपना स्वरूप है किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या है इसके पहले श्लोक, स्पर्श योग वै नाम दूरदर्श सर्व योगी भी योगी न विभ्यते अस्मात् अभय भय दर्शन। 39 नंबर में, 39 नंबर नहीं अद्वैत प्रकरण में, अद्वैत प्रकरण पढ़ के आए हम इसको, पढ़ के आए इसको अद्वैत प्रकरण में 39 देख ली, 186 पेज में, स्पर्श योग वै नाम दूरदर्श सर्व योगी भी योगी न विभ्यते अस्मान अभय भय दर्शन। योग का नाम क्या, स्पर्श योग मतलब स्वरूप सर्वथा संस्पृष्ट है, और मैं अपनी असंगता पूर्णता व्यापकता भाग में यह बैठूंगा तब क्या हुआ, हम भी सर्वथा असंस्पृष्ट, यही योग है, असंत मतलब निराशक्ति उदासीनता, यही साधु की जो है किसी भी जगह पे कोई आसक्ति नहीं है, जब बिल्कुल निराशक्त होकर के किसी के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इस प्रकार जो मनोवृत्ति मतलब जो आत्मा की पारमार्थिक स्वरूप है, यही इसी का नाम है स्पर्श योग। दुर्दर्श सर्वयोगी भी समस्त योगियों के द्वारा ये देख बहुत कठिन है, इसे देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, हमेशा हमारे मन में इच्छा का मैं कुछ करूँ, बस वही हमारे बंधन के लिए, वही हमारे बंधन के लिए, यहाँ तक कि मुक्ति के लिए साधन भी बंधन है, पुण्य उत्पन्न करने का, यहाँ तक इतना सूक्ष्म थे, इसलिए स्पर्श योग परिणाम दुर्दर्श सर्वयोगी समस्त योगियों के द्वारा इसको समझना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होगा, आज तक हमने अपने को देखना सीखा उपाधि के साथ मिलकर, आज तक मैंने अपने को कैसे देखा, मैं स्वयं सर्वानंद हूँ, फिर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृही हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, फिर मैं वेदांती हूँ, ये जितना सा इतना, अथवा शरीर खराब है तो मन खराब है, इसके साथ ही उपाधि के साथ तादात्म्य करके देखना सीखा। और शास्त्र क्या बोलते हैं, उपाधि के साथ तादात्म्य छोड़ करके अपने को देखना सीखो, उससे क्या लगता है मन में कि मैं अपना अस्तित्व खो दूंगा, ये डर होता है, ये डर होता है कि ये क्या चीज़ हो गया, कहाँ पहुँच गया मैं। ध्यान में भी यदि आप कभी बिल्कुल निश्चित करते हुए एक जगह में जहाँ पर आपके सामने निश्चित करने कुछ नहीं रह जाएगा तो आपको अंदर डर ही पहले उत्पन्न होगा। हिरण्यगर्भ भी डर गया थे अपने अकेला देख करके, स्वाभिभेद है बृहदन्वय में है, आके अपने को एकाकी देख करके डर गया था, फिर बाद में विचार किया मैं क्यों डर रहा हूँ, द्वितीयक कोई भय भय तो है नहीं, अपने अपने जन्मांतर पूर्ण संस्कार के पास विचार करने से उसका भय चला गया, ठीक इसी प्रकार यहाँ के साधन में जैसे ही धीरे धीरे आप निराशक्त होते जाएंगे, किसी भी वस्तु से मन उठ जाएगा, कभी ऐसा लग सकता है सब छोड़ दूंगा तो जीव मन ऐसा लगेगा, मन में ऐसा किसी के सहारे जीऊँगा, अरे तुम पैदा ही नहीं हुआ जीने का, तुम तो हमेशा ही हो, जैसे ये शास्त्र विचार मन में आएगा तब आते ही वो डर चला, इसीलिए आप बोलते हैं दुर्दर्श सर्व योगी न विभ्यति अस्मात्, योगी लोग डरते हैं इसमें, अभय भय दर्शन, क्योंकि वो अभय पद, वो अभय पद में भय दिखता है, क्यों अभय पद एकत्व में पूर्णता में कोई डर नहीं है, फिर तो उस अकेला पानी उसको क्यों अभी तक द्वैत रूप में देखने का अवकाश हो रहा है, योगी लोग डरते हैं, और जब तक यहाँ जब तक ये साधन अवस्था में जब तक वो वस्तु पूर्ण रूप से समझ में तब डरते हैं, डर जाते हैं इसमें कि अब क्या हुआ, अब तो कुछ नहीं रहा, क्या सहारा है उसकी,
किंतु जैसे ही फिर जो है शास्त्र वाक्य याद आता है अथवा गुरु वाक्य याद आता है शास्त्र को, हाँ ये स्थिति है कि अपने असंगता को यस, तब जब वो डर चला जाता है आनंद अपने आप में रहता है। अब जो है इस सिद्धांत को, ये जो वेदांतिक सिद्धांत को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके प्रति अधिकारी की रुचि उत्पन्न करते हैं, वेदांत के प्रति अधिकारियों की रुचि उत्पन्न करते हैं। अब देखिए श्लोक को पढ़ते हैं, स्पर्श योग वै नाम, स्पर्श योग वै नाम, सर्व सत्व सुखो हितः, सर्व सत्व सुखो हितः, अभिवादो विरुद्धश्च, अभिवादो विरुद्धश्च, देशितस्तं नमाम्यहम्, देशितस्तं नमाम्यहम्, अस्पर्श योगो वै नाम, सर्व सत्व सुखो हितः, अभिवादो विरुद्धश्च, देशितस्तं नमाम्यहम्। क्या बोलते हैं, इस योग का नाम है स्पर्श योग, मतलब जिसका किसी के साथ कोई स्पर्श नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये हो गया इस आपने इस भाव को मतलब अपने स्वरूप के साथ युक्त हो ईश्वर में युक्त हो गया। सर्व सत्य सुख है, जो समस्त अंतकरण को सुखकारक भी है, हितकारक भी है। हर समय सुखकारक वस्तु हितकारक नहीं होता। जो भगवद गीता के नवम अध्याय में क्या बोलते हैं, राजविद्या राजगृह पवित्र इदमुत्तम प्रत्यक्ष अवगमन धर्म सुसुखम कर्तुम अपने, है ना। ये क्या है कि राजविद्या है, ये राजगृह है, अत्यंत गोपनीय है, है ना, राजविद्या पवित्रम है ना, मोस्ट, किंतु किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए सबसे पवित्र वस्तु है, संसार में सबसे पवित्र वस्तु है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, इदम उत्तम बीज आत्मस्वरूप प्रत्यक्ष अवगम, इसको जो है आप अनुभव कर सकते हैं, और धर्म्यम धर्मान अनुपितम, इससे अच्छा धर्माचरण हो नहीं सकता। सुसुखम कर तो करने में आशा और फल अव्यय, फल क्या होता है, इसका फल कभी नाश नहीं। इस प्रकार भगवत स्वयं बोलते हैं इस योग के बारे में, स्पर्श योग का इतना लाभ है, इसलिए बोलते हैं सर्व सत्य सुख अभितम, है ना, सभी अंतकरण के लिए ये सुखकारक भी है, हितकारक भी है। हर सुखकारक वस्तु हितकारक नहीं होता, अहितकारक ही हो जाते हैं अधिकतर, परंतु यहाँ पे ये सुखकारक भी है, सुसुखम कर्तु और अव्ययम फलम, हितकारक मतलब सबसे हितम फल है, क्योंकि जिसका फल कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार से और क्या है, अविवाद, किसी के साथ कोई विवाद नहीं है इसका, क्योंकि आत्मा को देखिए, जिस प्रकार ये प्रकाश, ये प्रकाश में कोई चोरी चोरी करे, कोई पढ़ाई करे, कोई गाना गाए, कोई मीटिंग करे, प्रकाश किसी के साथ कोई विरोध करता क्या? किसी के साथ विरोध नहीं करता, वो सबको प्रकाशित करता है। जिस समय नाट्यदीप, जिस समय स्टेज में कोई नृत्य नर्तकी नाट्य करता है, नृत्य करता है, उसको भी दिखाते हैं, स्टेज की मालिक जी ने उसको भी दिखाते हैं, जब स्टेज खाली नहीं था उसको भी दिखाता है वही प्रकाश, जब सब चले जाता है हॉल खाली हो जाता है फिर भी प्रकाश जो है उसको भी प्रकाश करते, फिर कोई बात करते अलग बात है। ये आत्मा प्रकाश किसी एक साथ कोई विरोध नहीं करता, क्यों? आत्मा की प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, यानी से इसका विरोध का कोई संभव बने नहीं है। अविरुद्ध से विवाद, विवाद भी बात का भी विषय, दूसरी बात बात का भी विषय किसी की नहीं, क्योंकि तो बोलने की लायक ही नहीं, अब आत्मा शुरू हो सकता है। और अविरुद्ध से है ना, किसी के साथ विरोध भी नहीं करता, आत्मसत्ता प्रकाश, इस प्रकार की अविरुद्ध से देशित, ये जो उपदेश है पहले उपदेश देशित, तब नमामि अहम, उस उपदेश को मैं नम, सिद्धांत को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए हमारे आचार्य की क्या सुंदरता है, इस वेदांत सिद्धांत जो नारायण से प्राप्त हुआ है, पहले नारायण को फिर उनको उपदेश को भी, मतलब इतना आदरणीय उपदेश, इतना मतलब सुख को, सबको सुख देने वाले, समस्त विवाद को मिटाने वाले, एकत्व बुद्धि समस्त विवाद को मिटाते हैं, अविवाद मतलब किसी के साथ बात, इसके लेकर के बात विवाद नहीं होता, इसीलिए शास्त्र ये बोलता है विज्ञानन अपि विद्वान जड़वत लोकमाचरेत, जानते हुए भी विद्वान को जड़ की तरह रहना चाहिए,
न अपृष्ठवते ब्रियात न तो अनयन पृष्ठते, जो यदि नहीं पूछा है इट इज नॉट ए थिंग टू बी मार्केटिंग। बस जितना है उतना अपने में रहो। और दूसरी बात क्या है कि यदि कोई आके पूछते हैं विधि पर पूछते तब उनको उत्तर करें तो आप बोलो कि नहीं जानता वो अच्छा। न अपृष्ठवते ब्रियात न तो अनयन पृष्ठते, हालांकि इसको बोला जाएगा ये क्या है यदि अन्याय हो, यदि उसमें बिना अथवा योग्यता नहीं है तो नहीं बोलना अच्छा। विज्ञान नवी विद्या जड़वत लोग हमारे यहाँ पे विवाद की विषय नहीं है। अद्वैत को लेकर के अद्वैत में क्या होता है कि अकेला तो है कोई भेद नहीं है, भेद में विवाद विवाद जो भी कुछ होगा तो भेद में ही होगा। जब वो भेद ही नहीं रहेगा तो किसके साथ विवाद होगा, इसी के कारण से किसी के साथ विरोध भी नहीं है। इसी के कारण से एक इफेक्ट एंड एक कॉज, इस कारण से इसके साथ किसी इस प्रकार की जो उपदेश है, इस प्रकार की जो सिद्धांत है, ये एकात्म बुद्धि कितने साल पहले भगवान शंकराचार्य इसी को प्रचार के लिए जो है सारा भारत में दो बार पैदल घूमा केवल इस एकात्म बुद्धि को स्थिर करने के लिए। दो बार पैदल घूमा इतने छोटे उम्र में। इस प्रकार के उपदेश है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने अभी कौन गौर पदाचार्य होते हैं तम नम तम उस उपदेश को मैं प्रणाम करता। तो ये उपदेश कैसा है, विवाद रहित है, अविवाद निबोध था। मैंने बोल कर हे शिष्य समझना ये वेदांत तो पढ़ने के बाद ये वेदांत तो कोई शास्त्रार्थ के विषय नहीं है, किसी के साथ विवाद नहीं करना। इसको लेकर के वेदांत अपना स्वरूप है और सभी का स्वरूप रूप में तुम बैठे भी हो तो कैसे विवाद है, किसी के साथ कोई विवाद नहीं करना चाहिए। विषय को लेकर शब्द को लेकर के उसके अर्थ को लेकर के विवाद अलग बात है, सिद्धांत को समझने के बाद फिर विदा मिल जाए कहाँ से। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं योग्य श्लोक के तो अविवाद प्रथम एक वचन, अविरुद्ध प्रथम एक वचन, देशी तो प्रथम एक वचन। इस प्रकार सिद्धांत है उस सिद्धांत देशी तो मानी उपदेश उपते उपदेष्टा है ना, उपदेष्टुई उपदृष्टि शब्द का प्रथम एक वचन है जैसे उपदेष्टा है। तो आज इस प्रकार देशी तो मतलब उस प्रकार जो है जो उपदेश सिद्धांत सिद्धांत मैंने जो उपदेश किया गया उसी को मैं नमस्कार करता हूँ। टीकाकार लिख रहे हैं श्लोक से तात्पर्य भगवान भाष्यकर अब श्लोक के तात्पर्य को कहते हैं भाष्य में अधुना अद्वैत दर्शन योग नमस्कार तत्स्तुते। अब जो है अद्वैत दर्शन संबंधित जो मतलब स्पर्श जो उसका नमस्कार करते हैं ग्रंथकार कार्यकर्ता क्यों उसकी स्तुति के लिए। किसी भी जगह पर स्तुति किया जाता है वो पठन पठन करने वाले के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए, किसी वस्तु की स्तुति अर्थवाद जो है स्तोता के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए इसका अभिप्राय है। तो अधुना अधुना शब्द को एक टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है उपदृष्टि नमस्कार अनंतरम, ठीक है ना, अंतर है उपदेष्टा को मतलब उपदेश करने वालों को नमस्कार करने के बाद आप जिस उपदेश को किया उस उपदेश को नमस्कार करते उपदेश का नमस्कार करते क्यों वो विषय वस्तु उस विषय को स्तुति के लिए विषय के प्रति साधकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए विषय के प्रति साधकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए। स्पर्श जो है तो स्पर्श जिसको बोलते हैं स्पर्शनम स्पर्श संबंध अवचेतन मन में कुछ भी चीज आपके पास नहीं है, दुकान से जैसे ही हमने पैसे से कोई चीज खरीदा तुरंत उसके अवचेतन मन से मेरा है टप कर गया। अब पैसे से नहीं खरीदा रास्ते से मैसेज मिल गया फिर भी महात्मा को तो कितना चीज मिलता है पैसे खरीदा के किंतु लग जाता है टप कर नहीं लगता है। दृष्टांत के लिए हमको और बोलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टांत के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये देखिए स्पर्श स्पर्श कैसे होते हैं तो यहाँ पे स्पर्श स्पर्श संबंध ये तो संबंध बनता है ना जब मानते ही अभ्यास होता है कैसे तो मतलब महात्मा को भी दे देना चाहिए थोड़ा नहीं तो कम्बल पीस हो जाएगा। महात्मा के लिए आनंद गिरी जी ऐसा भी लिखे आपको जो है हमारा ऐतरीय उपनिषद की टीका में कि महात्मा का तो अपना कौपिन के प्रति भी अपना मन आवश्यक हो जब आप शरीर नहीं हो, ठीक है, व्यवहार के लिए व्यवहारिक जगत के लिए वस्त्र की आवश्यकता तुम शरीर नहीं निश्चय हो गया शरीर के किसी भी घाव को ढकने के लिए चाहे खाया घाव पड़ा है उसको ढका तो ढका नहीं ढका तो नहीं ढका जो भी भगवान देते ठीक है
विवेकानंद कैसे हो गए कुछ जंगल में ऐसे वस्तु भी मुझे ऐसे भी है। तो यहाँ तक भी जब मन से बोलते हैं क्या राधा कुंड में तो स्पर्श स्पर्श संबंध न विद्यते यस्य योगस्य। ये ऐसा योग है जो योग क्या सिखाता है आपको, सभी के साथ संबंध छुड़ाने वाला है, संबंध करने वाला नहीं संबंध छुड़ाने वाला है। स्पर्शनम स्पर्श मतलब संबंध न विद्यते यस्य, इस योग में किसी के साथ संबंध नहीं होता। इसलिए हस्तपुर निस्त्री गुण पति विचर तो को विधि को वंश है ना, जो गुणातीत होकर के पथ में भ्रमण करते हैं तो उसके लिए विधि भी क्या है निषेध भी क्या है। जो केनचित कदाचित अभी है ना, किसी के साथ केनचित मतलब किसी के साथ कदाचित किसी भी काल में केनचित कदाचित दात रखते हैं यहाँ पे आपका समय अर्थ में काल अर्थ में आता है। तो केनचित मतलब किसी के साथ कदाचित किसी भी काल में, किसी भी काल में अभी जो जिस योग का संबंध नहीं है आत्मा का किसी भी काल में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है उसको स्पर्श योग, इसी का नाम है स्पर्श योग। अभी का स्पर्श योग मतलब क्या है, ब्रह्म स्वभाव बहुत अच्छी तरह से स्पर्श योग मतलब ये जो व्यापक था जो आपका स्वरूप भूत होगा के बैठ ब्रह्म स्वभाव स्वभाव क्या भाव है निर्दिशय व्यापक था यही असंग है, वो व्यापक तत्व असंग है स्वभाव। यदि स्पर्श योग आपको बाहर से अभ्यास करके प्राप्त करने के गुण है वो आपके अंदर इट इज ऑलरेडी देयर। आप सर्वथा असंग है, आप सर्वथा मतलब क्या होता है किसी के साथ कोई संबंध होना आत्मा के साथ सारा संबंध शरीर इंद्रिय मन बुद्धि कर लेता है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संबंध बना लेता है। ब्रह्म स्वभाव एव ब्रह्म स्वभाव ही है। इसलिए आप कहते हैं एव इति न निरोध समाधि रूप इति एव कृत्यम। देखिए यहाँ पे एव का मतलब क्या है, एव का इतर व्यवर्तक होते हैं और इसके साथ है ब्रह्म स्वभाव नौ के साथ है मतलब है पार्थ एव धनुधर पार्थ एव ब्रह्म स्वभाव एव है ना। इतने अन्य जो व्यवच्छेद है किसी का हाँ किसी के साथ योग नहीं है अन्य जो व्यवच्छेद कर देता है। ये निरोध समाधि से भी को भी निषेध करते हैं, ये निरोध समाधि नहीं है आपका सारा चीज खुला है विचार पूर्वक निर्णय करके अपना संगत को समझ के और निश्चय है कि किसके साथ कोई संबंध निरोध समाधि असंभव क्या है उससे भी भिन्न है ये है ना। वो तो आप जो है आँख नाक कान बंद करके सब चुप निरोध करके जो आप मन को स्थिर होते हैं संबंध नहीं होता ठीक है वो उसका एक झलक है परंतु उस भाव में हमेशा रहना जिस समाधि से बुद्धन नहीं होता है ना। ये स्पेशल होता है स्वभाव है, ये आपका स्वरूप है स्वभाव है ना, ये आपका स्वभाव रूप में बैठे हुआ अपना यथार्थ भाव यही है कि हम असंग है मैं पूर्ण हूँ मैं वैकल्प हूँ मैं असंग हूँ यही भाव है। वेदांत की यही मंत्र जब करना चाहिए चिरानंद रूप शिव। अच्छा यहाँ पे फिर आया है वही और नाम स्पर्श योग शब्द का अर्थ करती है उसके बाद क्या है वही और नाम इति ब्रह्म विदाम स्पर्श योग इति एवं प्रसिद्धि प्रसिद्धि का द्योतक है। हमें कहाँ प्रसिद्ध है इसका ब्रह्मवेत्ता पुरुषों में शास्त्रों जानने वाले के लिए, सामान्य व्यक्ति योग का नाम भी नहीं सुना ठीक है ना। आज राज योग बोलिए हठ योग बोलिए ज्ञान योग भक्ति योग तो बोल देगा कुछ कुछ नहीं, परंतु स्पर्श योग जो है जब तक मांडव कालिका में प्रवेश नहीं करेगा तब उसको पता ही नहीं है कि स्पर्श योग क्या होता है ना। ये जो है इसलिए बोलते हैं वही और नाम ये जो है ये प्रसिद्धि का दो तो अव्यय इति ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ता पुरुषों में स्पर्श योग इसी को इस आत्मा को स्पर्श योग इस नाम से इसका प्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध क्योंकि इस प्रकार से प्रसिद्ध ठीक है ना। ये स्पर्श योग हुआ और ये जो है संन्यासियों में वेदांतियों समझने वाले के लिए ये है एक प्रसिद्ध योग। अब वो कैसा है सच सर्व सत्य सुख भवती है ना, वो जो है समस्त अंतकरण को आनंद देने वाला सुख देने वाला है ना। वो है ही ऐसा सच सच योग और वो जो योग है ना सर्व सत्य हो से यहाँ पे सत्य सत्य करते हैं अंतकरण सत्य जो अंतकरण सभी का जिस किसी भी बस व्यक्ति ने इसको समझा उसके लिए ही ये आनंददायक होता है ये आनंद सर्व सत्य सुख भवती सहयोग स अस्पर्श योग समस्त अंतकरण को आनंद देने वाला होता है ना।
कश्चित वो है सर्व सत्य ब्रिया सत्व एक वो भी है सत्व सर्व सत्व सुखम भवति समस्त सत्य जिसका जिस किसी का भी सत्य है उस सत्य के भाव जिसमें विद्यमान है यहाँ पे अंतकरण के साथ की समस्त इसी यहाँ पे समस्त सत्य को सुख देने वाले हैं सत को लेकर शब्द लेंगे सत्व प्रसन्नत्व विद्यमान वस्तु और विद्यमानता की भाव तो विद्यमानता की भाव है ना जो विद्यमानता की भाव जो समझते हैं और वो यदि आपने इस प्रकार से स्पष्ट रूप में आपको तो समझते हैं तो निश्चित रूप से कारक होते हैं यहाँ पे सामान्य से सत्व को यहाँ पे अंतकरण बोल रहे देखिए कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्ट अभी दुख रूप कोई वस्तु जो सुख का साधन है ना आप उसको अभ्यास करने के बाद अल्टीमेटली दुख में परिणत हो जाए ठीक है ना इस प्रकार ये सर तब बाद में जाकर के आप हो सकते सुख करने में कठिनाई है तब करने में कठिनाई है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते कर्तुम सुखम रघुमत है नहीं कर्तुम ये करने में सुख है क्योंकि कोई चीज को इकट्ठा करने में दुख है त्याग करने में क्या है कुछ दुख नहीं है पर दूसरे में दुख अधिक अनुभूति होती हाँ ये हमसे चला गया किसी वस्तु को इकट्ठा करने के लिए शारीरिक मानसिक प्रयास भी करना पड़ता है छोड़ने के लिए कुछ इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलता है त्याग शांति का धर्म बारह दत्ता का शांति है त्याग से अधिक शांति है ये अस्पर्शता से अधिक शांति है इसलिए आप बोलते हैं कि सर्वसत्व कश्चित अत्यंत सुख साधन कोई वस्तु अत्यंत सुख के लिए साधन है परंतु करते समय बहुत कठिन है मान लीजिए आपका कोई आपके लिए गुटिया बना रहे आप सोच हो सकता है हमारा आगे जाकर के हमें कोई टेंशन है परंतु उसको करते समय कितना कठिनाई होता है कितना कठिनाई होता है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्ट अत्यंत सुख साधन अगर पीछे छोटे हुए दुख रूप होता है निष्ठांत कर दिया जगह तब तब आपको तब से हर चीज प्राप्त होता है पूर्ण होता है सुख प्राप्त होता है परंतु करते समय कठिनाई होती है परंतु ये जो है ये आत्मज्ञान जो है ये करते समय भी कठिन नहीं है कोई क्लेश नहीं है इसमें केवल जो है बस अपना विवेक चाहिए मुख्य रूप से ये सबसे बड़ा विवेक यदि ठीक होता है यहाँ पे देखिए तीन नंबर टिप्पणी में साधन विशिष्ट मतलब सुख साधन तीन उत्कृष्ट विधि अर्थ सुख के साधन के लिए जो उत्कृष्ट वस्तु है परंतु करते समय कठिन होता है भगवान श्री कृष्ण ने पहले बोल दिया कि सुसुखम करने में आप बोलेंगे जो करने में आसान होता है उसका फल भी घटिया होता है परंतु इसका ठीक होता है करने में आसान और फल महत्व व्यवहित ऐसा जो है सेवा का यथार्थ अयम तो न तथा ये अस्पर्श योग ऐसा नहीं है मतलब करने में कठिन होगा और दुख रूप होगा और बाद में कुछ फल कम देगा ये बात नहीं और तो न तथा किंतरी सर्वसत्यानाम सुख समस्त मतलब अंतकरण के लिए अथवा विद्यमान व्यक्ति जो उसको समस्त विद्यमान वस्तु के लिए वो सुख कारक है वो सुख रूप है सुख शब्द जनरली आपका न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग होता है सुख और दुख सुखम दुख का ये देखो मैस्कुलिन में प्रयोग किया क्योंकि स्वरूप सुख है आत्मा को बोलना चाहते हैं यहाँ पे सुख सुखम जिस समय सुख को जो विषयात्मक सुख होता है ना वो सुख जनरली न्यूट्रल जेंडर में होता है सुखम दुखम परंतु वहाँ पर सुख को मैस्कुलिन में प्रयोग किया क्या लिखना चाहते हैं स्वरूप भूत सुख है जो आत्मा की सुख है विषय सुख नहीं है वो है ना इसलिए किन तरी सर्व सत्यानाम सुख मतलब समस्त विद्यमान वस्तु का सुख स्वरूप होकर के बैठा हुआ तथा यह भवती यहाँ पे भवती कश्चित विषय उपभोग यहाँ जिस प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि कोई विषय उपभोग आपके लिए सुखकारक होता है परंतु हितकारक नहीं होता ठीक है ना क्या बोलते हैं तथा यह भवती जैसे प्रकार यह लोग कश्चित विषय उपभोग सुख भवती कोई कश्चित विषय उपभोग सुखकारक होता है न हित परंतु हितकारक नहीं है ऑन द कंट्री भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं विषय इंद्रिय संयोग जब अग्रे अमृतोपम परिणाम विषमी तत्काल समुपादित 18 अध्याय में यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नते अत्यंत मंत कौंते नते शूर नते उदा कितना बार अध्याय किया भगवान कृष्ण विषय इंद्रिय को संग यही संस्पर्श जब होगा विषय इंद्रिय के संस्पर्श से जो भोग सुख उत्पन्न होता है संस्पर्श दुख जो नहीं बते वो दुख उत्पन्न कर दुख के कारण है वो
योनि है, दुख के योनि है वो। अब क्यों अत्यंत मंदम देखें, क्यों उत्पत्ति नाश वाला है। न देश हो रहा बुद्धिमान वस्तु वहां पर गमन नहीं करते। अब देखो राजसिक रूप में क्या हुआ था कि जब विषय इंद्रियों संयोगा ज्यादा थे अमृत को हम पहले तो अमृत कर परिणाम विषम थी तद राजसिक हित कराए तो सुख हित ये सुख कारक भी है और हित कारक सुख कारक भी है। सात्विक सुख में जो पहले कष्ट है यहाँ पे बोल रहे हर टाइम ही आनंद है, हर टाइम आनंद है। अभ्यास यात्रा तेजत्र दुखांतर से निगछत जब अग्र विषम इव परिणाम अमृत मम तत्सुखम सात्विकम प्रथम आत्मबुद्धि प्रसाद है। जो आत्मा में अंदर बुद्धि की प्रसन्नता उत्पन्न करता है वो सात्विक सुख बुद्धि प्रसन्न अयम तो सुख हित ये सुख कारक भी है हितकारी भी है। ये सर्वसत्य सुख हित क्यों हितकारक है नित्य अप्रचलित स्वभाव वहाँ पे देखिए क्या होता है अद्यंत मंत्र कम तो प्रचलित स्वभाव वाला है व्यभिचार करने वाले हैं परंतु ये हमेशा एक रूप इसीलिए ये सुखकारक भी है हितकारक भी है ना। हमारे लिए अहित क्यों हो जाते हैं हमने बाजार से अपने सामर्थ्य के अनुसार सबसे अधिक पैसा दे करके अच्छा चीज खरीद के लाया दो दिन बाद तो बिगड़ जाए एक वस्तु का स्वभाव ऐसा है तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु एक ऐसा वस्तु है खरीदने में कोई पैसा नहीं चलने में कपने में और खोने में गम नहीं खोने का गम नहीं ऐसा एक वस्तु है। इसलिए बोलते हैं नित्य अप्रचलित स्वभाव रखता है हमेशा अप्रचलित अव्यभिचारी स्वभाव होने के कारण अहम अहम इति अंतस्पुर यही भद्र होता है। देखो जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बोलते हैं बाल्यादिशु अपनी जागृत आदिशु तथा सर्वाशु अवस्था स्वी व्यापिता सुमान व्यापिता सु बाल्यादिशु जागृत आदिशु व्यापिता सु अहम इति अनुभूति वो सब परिवर्तन आत्मान प्रकोटि करती भजताम जो मुद्रा भद्र जो अपने को हमेशा एक भद्र मतलब एक ही मुद्रा की तरह मैं करके जो अंदर जो इम्पैक्ट हो रहा है यही दक्षिणामूर्ति है यही दक्षिणामूर्ति ही हमारा स्कूल है। बचपन से लेकर पूरे सारी अवस्था कितना व्यभिचार करते हैं इन समस्त व्यभिचारी अवस्था को देखने वाला एक व्यभिचारी तत्व जो हमारा स्वरूप है वो कभी व्यभिचार नहीं करता वो हमेशा मैं करके अंदर से बोलता है यही दक्षिणामूर्ति फिर बोलते हैं नित्य अप्रचलित स्वभाव हमेशा एक ही भाव में रहने के कारण किसी भी अवस्था में भी थोड़ा भी प्रचलित नहीं होता विचलित नहीं होता। हम देखिए इसमें छोटा अर्थ छुपा हुआ है कितना भी कठिनाई आ जाए जीवन में विचलित नहीं होना क्योंकि वो कठिनाई शरीर इंद्र मन बुद्धि लेवल में है मैं इसका दृष्टा हूँ मैं कुछ में कोई विचलन नहीं। जैसे आप उसको देखने लग जाएंगे तब उसका विचलन अथवा अपने मन में चित्त इसलिए नित्य अप्रचलित स्वभाव जितना जितना स्पर्श योग के साथ मन को इकट्ठा कर पाए मतलब एक होता जाएगा उतना देखना सारा विक्षेप अपने आप ही कम होता जाएगा अपने भी विक्षेप कुछ भी हो जाए संसार में क्या फर्क पड़ता है मुझे क्योंकि मैंने संसार को बनाया नहीं भगवान की सृष्टि भगवान जो करेंगे हम क्या कर सकते हैं प्रारब्ध के साथ किसी का थोड़ा योग है ठीक है उससे जितना लेन देन का हुआ तो भगवान करेंगे तो नहीं करेंगे अप्रचलित स्वभाव रखता है। यह हो गया आपका सर्वसत्य सुख हित। फिर आगे क्या होता है अविवाद किंच अविवाद विरुद्ध वदनम विवाद विवाद किसको बोलते हैं विरुद्ध वदनम विरुद्ध विपरीत बोलना विरुद्ध बोलना जैसे पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण मैं इस पक्ष को आप उस पक्ष में बोलते हैं जिसमें न विद्यते जिसमें इस प्रकार के वाद विवाद होना संभव ही नहीं है सो अविवाद क्योंकि आत्मा के विपक्ष कुछ है क्या न स्वपक्ष है न विपक्ष है अपने सभी रूप में भी करते हैं स्वपक्ष मतलब जहाँ पे केवल मात्र वस्तु दिखाई देते हैं जैसे रंधन घर रंधनशाला धुआं के लिए और अग्नि की व्याप्ति देखने के लिए स्वपक्ष है और जलगत विपक्ष है जलगत विपक्ष वहाँ पर आम नहीं है और परंतु चाहे रंधनशाला हो चाहे जलरथ हो धुआं की व्यभिचार तो होता है परंतु आत्मा की व्यभिचार है कि नहीं है सच्चिदानंद की व्यभिचार है कि नहीं है नहीं है कि उसका सिद्ध नहीं सिद्ध होगा इसीलिए नित्यम प्रचलित स्वभाव किंच अविवाद मतलब विरुद्ध वदनम विवाद मतलब विरोध बोलना इसी को विवाद कहते हैं। कैसे विवाद होता है पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण मैं इस पक्ष में बोलूंगा आप उसके विरुद्ध बोलेंगे जिसमें न विद्यते जिस आत्मा में इस प्रकार जिस एकत्व में इस प्रकार वाद विवाद होना संभव ही नहीं है सो अविवाद उसके यहाँ का विवाद कहना चाहिए।
कस्मा ये अविवाद क्यों है? क्योंकि किसी के साथ विरोध नहीं, वाद विवाद होगा कहाँ से? यदि आपका मां तो विरोध हो तो आप वाद विवाद के प्रसंग उठे। वाद विवाद के प्रसंग का होता है यदि मां तो विरोध हो, विरोध किसी के साथ है तो कहाँ से विवाद होगा? इसीलिए बोलता है जब तो अविरुद्धस्य, क्योंकि ये किसी के साथ विरोध नहीं करता इसीलिए विवाद नहीं होता। जह विदृश्य योग, जो इस प्रकार की योग अथवा सिद्धांत देशित मतलब उपदिष्ट, जो इस प्रकार के सिद्धांत को उपदेश किया गया है किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा मतलब गुरु के द्वारा। तब नमामि अहम्, उस उपदेश को मेरा नमस्कार है, उस उपदेश को मेरा नमामि अहम् मतलब प्रणमामि इति अर्थ। प्रणाम मतलब क्या? मैं पूरा झुका हुआ उसके प्रति, मेरा मन पूरा झुका हुआ है, मन बुद्धि सब जो उसके प्रति झुका हुआ है, इसका भी प्रयोग है। हास्य छोटा हो गया यहाँ पे, हास्य का अधिक नहीं दिखते, बड़ा सुंदर छोटे में समझा देता हूँ। अब जो है आप इसको ऊपर जो पढ़ रहे थे टीका में आ जाए, श्लोक से तात्पर्य माओ अधुना अद्वैत दर्शन योग से नमस्कार तत्स्तुते। अब जो अद्वैत दर्शन संबंधित जो स्पर्श योग है उसके नमस्कार करते हैं, क्यों? उस योग की स्तुति के लिए, मतलब उपमा साधक के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए, साधक के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए। निरतिशय आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो सब अतिशय तो छोड़ो, है ना। निर्तिशय आनंद को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो जितना अतिशय तो अपने अंदर जितना अपने आरोप पर रखा मैं ये हूँ इसको छोड़ो, निर्तिशय आनंद। तस्य च स्तुति तत्साधिनेषु प्रवृत्त उपयुज्यते। इसका स्तुति की क्या उपयोगिता है? इस उपदेश की स्तुति की उपयोगिता क्या है? तस्य च स्तुति तत्साधिनेषु मतलब इस योग को प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसमें प्रवृत्ति, अधिकारी का उसमें प्रवृत्ति हो जाए इसी में उसको उपयोगिता है, उपयोगिता है उसमें उसको उपयोगिता है, ठीक है। तस्य च स्तुति तत्साधिनेषु प्रवृत्ति, उस साधन में प्रवृत्ति में उपयोगिता है। चार नंबर टिप्पणी में तत्साधनेषु अद्वैत दर्शन योग प्राप्ति साधनेषु एंड स्पर्श योग रूपी जो मतलब दर्शन अद्वैत दर्शन जो स्पर्श जो महापुरुष भाव में चित्त होना तो उसके लिए जो साधन है उसके लिए साधन क्या है? श्रवण मनन ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं निरंतर विकल्प बोलता हूँ, ये श्रवण मनन निधिध्यास न जाना, इससे भी जो है मन में ये रखना है ये मार्ग है ये लक्ष्य नहीं है। हाँ, मार्ग और लक्ष्य को भेद करना है। श्रवण मनन निधिध्यासन भी मार्ग में चल करके हम इसके पीछे जो तत्व बैठा हुआ है अधिकतर क्या होते हैं हम लोग का, चाहे कर्म जो बोलो चाहे पठन पाठन बोलो इसी मार्ग में फंस जाते हैं। मार्ग की सुंदरता देख करके और मार्ग की जो है वो अट्रैक्शन रहते हैं उसी में हमारे मन लोग जाते हैं, कुछ मिलता है। इसलिए ये मार्ग और लक्ष्य को विवेक होना चाहिए स्पष्ट, है ना। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, उपनिषद में बोलते हैं, पंडितों मेधावी गांधारा उपसंपर्क छंद को सुखी बोलते हैं ऐसा, पंडितों मेधावी गांध और पंडित शब्द का अर्थ करते हैं कि जो गुरु के उपदेश को समझता है, और मेधावी तो क्या है? गुरु के उपदेश को समझ करके उसको पालन करता है, इधर उधर भटक नहीं जाता, उस प्रकार के व्यक्ति अपने स्वरूप रूपी गांधार देश को प्राप्त करते हैं। गांधार देश को प्राप्त गांधार देश को गांधार देश से किसी को उठा के लाया था उसके पंडित मेधावी गांधार शब्द ने। तस्य च स्तुति तत्साधनेषु प्रवृत्तौ उपयुज्यते। प्रवृत्तौ इति अधिकारीणाम इति शेष, अतः अधिकारी बोल के सभी व्यक्ति का इसमें प्रवृत्ति होगा ही नहीं। विवेक वैशा संविवेक वैराग साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति जो अधिकारी है उसको इसमें प्रवृत्ति होगा, उसकी प्रवृत्ति साधन चतुष्ट विवेक वैराग को षट संपत्ति मुमुक्षुत्व। षट संपत्ति में क्या? संदम श्रद्धा समाधान उपरति दीक्षा। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी विवेक वैराग को षट संपत्ति मुमुक्षुत्व, और उसमें षट संपत्ति में हमारा संपत्ति हमारा बैंक बैलेंस क्या है? समदम श्रद्धा समाधान उपरति दीक्षा, ये हमारी बैंक बैलेंस है। षट संपत्ति मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेल्वेशन, ये हो गया, ये हमारे मुख्य साधन अधिकारी है। तो मुमें लिख रहे देखिए, मुमुक्षु प्रवृत्ति इति स्तुति उपयोग, मुमुक्षु साधक की इसी में प्रवृत्ति हो जाए, क्योंकि मुक्ति के लिए भी कई बार उनके अलग अलग कंसेप्ट है, तो मुमुक्षु साधक के लिए इसमें प्रवृत्ति हो जाए इसलिए जो है इसको नमस्कार करके दिखाते हैं। अलग अलग बचे कोई भी अधिक व्याधि नहीं, सर्व को ही मुक्ति मानते हैं,
कोई वादी ने ब्रह्म लोक को मुक्ति माना, कोई वादी ने सिंह लोक को मुक्ति माना, कोई कृष्ण लोक, अलग अलग मान लेते वेदांत को। और वेदांती बोलते हैं आत्मलोक ही मुक्ति स्थिति है, मतलब जिसके लिए कोई साधन नहीं है, कि वो साधन के द्वारा कोई लोग को आप प्राप्त तो करेंगे वो क्या हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा। कल बताया था जब कृतकम तद अनित्यम, ये व्याप्ति है, इसीलिए साधन के द्वारा शास्त्र भी बोलते हैं नास्ति अकृत कृत ना नहीं अध्रुव ही प्राप्त ध्रुवक्त। इसीलिए जहाँ पे सब साधन बंद हो बैठे जो वस्तु प्राप्त हो वो जो है उसके प्रति हमारा मोक्ष को जो है रुचि उत्पन्न हो जाए, इसलिए इसकी स्थिति के अध्ययन करते हैं। फिर संप्रति अक्षराणी व्याकुर्वन् स्पर्श योग शब्दम व्याकरति। अब जो है श्लोक में आए हुए पद को व्याख्या करने की इच्छा से भगवान भाष्यकार स्पर्श योग शब्द का व्याख्या करते हैं। संप्रति अक्षराणी व्याकुर्वन्, अक्षराणी मतलब श्लोक में आए हुए पदों को व्याकुर्वन् व्याख्या करते हुए स्पर्श योग शब्द, पहला शब्द के स्पर्श योग, तो स्पर्श योग शब्द को व्याकरति व्याख्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब आइए स्पर्शनम, स्पर्श किसी के साथ छू जाना, इसलिए योग दर्शन में आप देखना एक जो है नियम में एक सोचो के नियम बना है, संत सोचो तपो श्रद्धा ईश्वर परिधान आदि नियम, संत सोचो संत से शुचिता होता है, ध्यान देना मतलब शब्दों को ध्यान देना, शुचिता मतलब नहाना धोना नहीं है, एक सिर्फ मेंटल, ये अशुद्धि कहाँ से आता है, और यही सबसे बड़ा शुद्धि है, यही सबसे बड़ा शुद्धि है, और ये सबसे बड़ा शुद्धि है, और ये जो शुचिता क्या है बस जितना भगवान ने पर्याप्त है सबसे बड़ा शुद्ध होता है। इसीलिए योग दर्शन में जो आप सामान्य शुचिता वहाँ पे तो बाह्य शुचिता अंतर शुचिता करके शरीर मन को बोला, परंतु वेदांतिक दृष्टि से हम उसको विचार करते तो वहाँ पे देखना वहाँ पर शुचिता की क्या उपयोगिता है। संतोष और शुचिता संतोष के कारण जो अंतर शुद्धता होता है बस वो सबसे शुद्ध है, तब जाके तपो श्रद्धा ईश्वर में जाए, तब यही स्मरण श्रद्धा ईश्वर नाम और उपयोग है भगवान की बात करके प्रणाम ये नियम है, उसके बिना योग होना सीखना संभव ही नहीं है, नियम पालन किए बिना। संप्रति अक्षराणि व्याकुर्वन् स्पर्श योग शब्द स्पर्शनम स्पर्श संबंध न विद्यते यस्य योगस्य केनचित् कदाचित्, किसी के साथ किसी भी समय में किसी का जिसका कोई संस्पर्श होना संभव ही नहीं है सो स्पर्श योग। देखिए अर्थ करने के बाद अभिप्रेत अर्थ क्या अपने बोलते हैं ब्रह्म स्वभाव एव, ये जो व्यापकता के स्वरूप यही है ही रहे आपका स्पर्श योग वही आपका स्पर्श टीका में देखिए बोलते हैं योगस् अन्न संबंध प्रसंग अभाव कथम स्पर्शत्म इति आशंक। भाई जब योग करते हैं संप्रज्ञा तो असंप्रज्ञा तो समाधि में जाते हैं, किसी के साथ संबंध अपने आप ही नहीं होता, फिर यहाँ पे अलग करके किसी के साथ संबंध ये बोलने की क्या आवश्यकता है, यह बोलने की आवश्यकता है, ठीक है ना। योगस् अन्न संबंध प्रसंग अभाव, योग मतलब क्या होता है अन्न के साथ संबंध का प्रसंग का अभाव होता है, परंतु वो तो जब समाधि अवस्था में रहोगे उत्थान दशा में संस्पर्श को कहीं नहीं देना, परंतु वेदांत क्या है स्वरूप जो समाधि है उस समाधि से उत्थान में, इसीलिए आप बोलते हैं योग से अन्न संबंध प्रसंग अभाव कथम स्पर्श फिर अलग तरह का स्पर्श बोलने का क्या आवश्यकता है, यदि आशंक आओ ये जो है ये वो समाधि नहीं है, ये ब्रह्म स्वभाव ये व्यापकता की स्वरूप में स्थिर होना ये वो समाधि है, ये वो समाधि है ब्रह्म स्वभाव। योगस्य चयनम प्रतिपन्न देखिए निरोध समाधि में योगम मत है ना, निरोध समाधि उसी को योग मान करके बोल रहे हैं, मतलब ये वैसे समाधि नहीं है, ठीक है। ये शंका उठाने के पीछे क्या है, जैसे योग दर्शन समाधि ऐसे समाधि हो गया ऐसा सोचा है, परंतु ये वैसा समाधि नहीं है, इसलिए बोलते हैं निरोध समाधि। देखिए हम उस योग को खंडन नहीं करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के बाद की बोला, क्योंकि क्या बोला ना आश्चर्य सुखम तत्व निस्संग प्रज्ञा बोले, बोलकर क्या पहले आपको संप्रज्ञा तो असंप्रज्ञा तो समाधि के माध्यम से जब स्थिति में पहुँचेंगे फिर बोलते हैं वहाँ से भी मन को हटा, यानी कि उसको हम निराखंडन नहीं किया, हम उससे एक स्टेप और आगे ले गया, हम उससे एक स्टेप और आगे ले गए, इसीलिए हम बोलते हैं कि योग असंप्रज्ञा तो समाधि पतंजलि योग में है। हाँ जी बिल्कुल है, इसीलिए निरोध समाधि एवं जो वो निरोध समाधि बोलते हैं उसको,
योग चित्त वृत्ति निरोध जो परिभाषा वहाँ पे दिया निरोध समाधि है तो निरोध समाधि में वह योग निरोध समाधि योग है ऐसा मान करके तो यहाँ तो निरोध समाधि किसी के साथ संस्पर्श होता ही नहीं है निरोध समाधि में किसी के साथ संस्पर्श तो होता ही नहीं है तो फिर यहाँ पे स्पर्श योग बोलने का क्या नाम है बोलता है उससे एक कोटि पीछे ऐसे बोलते हैं योग है ना योग अन्य संबंध प्रसंग अभाव कथम स्पर्शतम फिर अस्पातम मतलब स्पर्श निषेधम फिर स्पर्श को निषेध करने का क्या हो गया तो मतलब पुनरुक्ति हो गया तो सिद्ध साधन दोष हो गया है ना वो तो स्पर्श तो अपने आप ही है तो बोलते ये जो है ये एक कोटि बीच है वहाँ पे मन के साथ स्पर्श होता है क्योंकि विषय रूप में आते हैं समझ में आ रहा है पूरे योग समाधि में क्या होता है आपका मन शांत होता है धीरे होता है धीरे उसको समझ विषय रूप में आपके सामने आता है परंतु यहाँ पे उससे उसका रस स्वतंत्र करना है अब ये उससे पीछे इसलिए बोलते हैं कि स्पर्श संसर्ग निषेधना अर्थ सब का निषेध कैसे भी बोलता है बोलते हैं क्योंकि ये ब्रह्म स्वभाव एव एव का लगा करके अन्न समाधि का निषेध कर रहे हैं ब्रह्म स्वभाव एव है ना ब्रह्म स्वरूप भूत होकर के विद्यमान रहना व्यापकता के स्वरूप में रहना यही जो है समाधि अच्छा फिर आगे बोलते हैं निपात योर अर्थम कथयति निपात क्या क्या यहाँ पे वही और नाम ये दो निपात है यहाँ का अव्यय है इन दोनों निपात हो मतलब दो षष्ठी वचन दोनों निपातों का अर्थम कथ इसकी अर्थ के अभिप्राय क्या है उसको भगवान पाठचकर बोलते हैं वही नाम इति ब्रह्मविदं स्पर्श योग इति एवं प्रसिद्ध ये ब्रह्मवेत्ता पुरुष मतलब ब्रह्मवेत्ता पुरुष मतलब वेदांतिक साधन करने वाले में ये जो है ये स्पर्श योग नाम प्रसिद्ध है स्पर्श योग नाम वही और नाम इसका मतलब ये बीज बोलने की अव्यय है वोइड है अव्यय है मतलब देव अर्थ में आया हुआ देव का अर्थ में निश्चित ही इसका ही अर्थ है ये अव्यय का कोई निर्दिष्ट अर्थ नहीं होता जहाँ पे प्रयोग किया गया तदनुकूल अर्थ निकाला जाता है नाम शब्द का अर्थ होता है कभी कभी लेकिन भी सुन अथवा मान लो अथवा ऐसा हो तो इस प्रकार से जहाँ पे सब प्रयोग होता है वही नाम यहाँ पे तो बोलते प्रसिद्धि का लोग सर्वेशां सत्यानां देहभृतां सुखयति इति विद्यत्य सुख हेतुत्वं ब्रह्म स्वभावत्व सुख विशेषणेन दर्शयति सर्वेषां सत्यानां मतलब विद्यमान सभी का ठीक है ना सर्वेषां सत्यानां सत्वा सत् उसके अंदर त्वा और उसके जो भाव होते हैं सत्वानां देहभृतां सर्वेषां सत्वानां जिसके सभी मतलब शरीरधारियों का है ना शरीर था योग देहभृताम देहभृता नाम सुख यदि ये सुख उत्पन्न करता है सुख सुख देता है समस्त देहधारियों को ये सुख देता है व्युत्पत्तिया इस उत्पत्ति से सुख हेतुत्म सुख के जो हेतु रूप क्या है ब्रह्म समाज जो वही भूमा तत्सुखम नल्प सुखम अस्ति परिच्छिन्नता में सुख नहीं है व्यापकता में सुख है ना इसलिए बोलते हैं सुख हेतुत्वम ब्रह्म स्वभाव से सुख के हेतु रूप जो व्यापक के स्वभाव है उसे यहाँ पे सुख विशेषण दर्शक विशेषण है ना उसका सुख का विशेषण के रूप में यहाँ पे दिखलाते हैं सर्वसत्त सुख हितम समस्त सत्वधारियों का जो विद्यमान व्यक्तियों का आप चल सुख की अनुभूति के स्थान अंतकरण होता है ऐसे सभी के अंतकरण को सुख देने वाला है ऐसा कहते हैं सच सर्वसत्व सुख भवती समस्त सत्ताधारियों को सुख कारक होते हैं कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्ट कुछ अत्यंत सुख का साधन होते हुए भी दुख करते समय दुख होता ना कि ऐसा नहीं है ऐसा तब अयम तो ना तथा ये ऐसा नहीं है किंत सर्व सत्यानाम सुख समस्त सत्ताधारी के लिए वो सुख कारक है सुख रूप है अच्छा फिर टीका में देखिए सुख हेतु अभी ब्रह्म स्वभाव विवक्षित विशेष दर्शयति है ना सुख हेतु होते हुए सुख हेतु अभी ब्रह्म सुख का हेतु क्या है व्यापकता की स्वरूप सुख का हेतु है भूमा में सुख है परिच्छिन्नता में सुख होता है सुख हेतु की ब्रह्म स्वाभाविक विवक्षित विशेषम अभिष्ट जो विशेष है उसको दिखाना चाहता है क्या बोलता है भवती सुख के हेतु तो है पर उसमें अन्न अन्न वस्तु सुख देने में और ब्रह्म स्वभाव में क्या भिन्नता है अन्न सुख कारक वस्तु में और अपनी व्यापकता के स्वरूप में जो सुख देना दोनों में क्या भिन्नता है अन्न सुख कारक देने वाला वस्तु हमारे लिए हितकारक नहीं होता परंतु ब्रह्म स्वभाव हमारे सुख कारक भी है हितकारक ये होता है
सुख हेतु ब्रह्म स्वभावे विवक्षितम विशेषम आत्म बटिपुर विशेषम लौकिक सुख हेतु अपेक्षा है। लौकिक सुख मतलब विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने सुख से इस सुख में विशेषता भिन्नता क्या उसको दिखाना चाहता है। लौकिक सुख हेतु अपेक्षा है विशेषम इतना विशेष को कहना चाहता है। दर्शयति भवति कश्चन न कहाँ पे है प्रति भवति प्रति कहाँ पे है हित विशेषणस्य तात्पर्य सुखकारक भी हितकारक भी है। इस विषय हितकारक में क्या अभिप्रेत है हित विशेषस्य तात्पर्य नहीं मिला। अब थर्ड लाइन में देखिए थर्ड लाइन भाष्य की थर्ड लाइन में बीचों बीच सर्वसत्य सुख भवति सर्वसत्य सुख में कमा लगा देना भवति का इधर अर्थ कर देना जब तक कमा वहां लगा हुआ है दोनों तरफ अर्थ कर तब जाकर भगवती के दर्शन नहीं करेंगे। कभी कभी अस्ति कश्चित नाम विशेष भगवती क्रियापद को अस्ति क्रियापद को पहले प्रयोग करते हैं उसके अंत विशेष करने के लिए हित भिन्न विशेषण से तात्पर्य वहाँ पे जो हित भी विशेषण दिया उसका तात्पर्य क्या तथा यह भगवती है ना कश्चित जैसे यहाँ पे होता है कश्चित विशेष उपभोग सुख वही तो ऐसा होता है तो सुख उपभोग सुखकारक होता है परंतु न हित हितकारक नहीं होता वो विशेषता हमें दिखाना चाहते हैं तथा यह भगवती तस्य हितत्य हेतु वो हितकारक इसके पीछे हेतु क्या है क्योंकि वो आत्मब्रह्म स्वरूप हितकारक का हेतु क्या है क्योंकि अन्य सभी हितकारक वस्तु व्यभिचारी होता है व्यभिचारी होता है परंतु ये जो है अपने स्वभाव में कभी अनुचय नहीं करता कभी परिवर्तन नहीं होता इसलिए बोलते हैं तस्य हितत्वे तस्य ब्रह्म स्वभावस्य हितत्वे नित्य अप्रचलित स्वभाव तो नित्य प्रचलित स्वभाव वाला नहीं होने के कारण तस्य एव विशेषणान्तर उसी का ही एक विशेषणान्तर और बोलते हैं क्या क्या विशेषण दिया उसका अविवाद और विरुद्ध इस प्रकार के देशित है देशित का ये देखिए उस उपदेश का अस्पर्श जो है वो उपदेश अभी नॉमिनेटिव सिंगुलर में है सर्वसत्य सुख हित ये भी प्रथम एक वचन है नॉमिनेटिव मैस्कुलिन नॉमिनेटिव अविवाद ये भी मैस्कुलिन नॉमिनेटिव सिंगुलर अविरुद्ध नॉन मैस्कुलिन ये सब देशित का सब विशेषण रूप में काम करते हैं इसलिए बोलते हैं तस्व विशेषण अंतर वो देशित रूप में जो विशेष है उसका एक और दो विशेषण को यहाँ पे कहते हैं तस्व विशेषण अंतर किंच अविवाद विरुद्ध वदन विवाद पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण जिसमें न विद्यादेश अभिवाद पक्ष परिग्रह करके जहाँ पे विवाद होना संभव नहीं है वही वहाँ पे अभिवाद संभव तत्र हेतु प्रश्न पर ये कैसे हो सकता विवाद हेतु क्या है इसके पीछे क्योंकि किसके साथ विरोध नहीं करता आप हमारे साथ लड़ाई झगड़ा तब करेंगे जैसे कोई आके इसको उठा के ले जाना चाहते हैं मत कर इसको तब लड़ाई इसलिए हम बोलते हैं तत्र हेतु प्रश्न पूर्वक आह यदि व्यक्ति ऐसा समझ लेता मान लो भीड़ हो जाए नंगा होकर क्या है था? नंगा होकर ही जाना पड़ेगा कितना भी इकट्ठा कर लो कुछ भी नहीं जाएगा यदि कुछ जाएगा वो है केवल आपका धर्म अर्जन जितना आपने ज्ञान अर्जन किया वही आपके साथ चलेगा कुछ भी नहीं जाएगा तो क्यों अधिक वस्तु इकट्ठा करने का कोशिश करेगा क्यों करेगा ठीक है धर्म तो रूप से कुछ आया हुआ है आया किसी के काम में आएगा आएगा पहले ही मन को चाहे निश्चय कर रहे चाहे हम कितना भी इकट्ठा करें सब हम कहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा तब जब कभी भी दुख नहीं होगा नहीं तो हाय ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा उसको कहाँ से हम इसको ये दिमाग में ये जो है इसीलिए सुखारक है ये तत्र हेतु प्रश्न पूर्वक इस विषय में मतलब विवाद क्यों नहीं है इस विषय में प्रश्न उठा करके उसका समाधान देंगे तत्र नौन विवाद अभावे नौन बटे विवाद के अभाव में क्या कारण है क्योंकि किसी के साथ विरोध नहीं करते विरोध हो तो विवाद हो इसलिए अकस्मात अच्छा फिर जो है आत्म प्रकाशत्वात् ब्रह्म स्वभावस्य अविरुद्धत्वम् क्योंकि वो सभी का आत्मा है और वो कैसा है आत्मा प्रकाश रूप है इसलिए ये ब्रह्म स्वभाव क्या है स्वरूपभूत प्रकाश ब्रह्म मतलब स्वरूपभूत प्रकाश और वो प्रकाश किसी के साथ पक्षपातित्व नहीं करता
कोई चोरी करेगा उसका व्यक्ति को भी प्रकाश करेगा, कोई अच्छा काम करेगा उसका व्यक्ति को भी प्रकाश करेगा, कभी किसी के साथ कोई विरोध नहीं करता। यदि विरोध करते हैं तो अंतर्यामी कभी कभी बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु आत्मा तो वो भी नहीं बोलते, साक्षी वो नहीं बोलता, साक्षी केवल उसको देखता रहता है। अनस्नानंद अभिजाति शीति तयरन्न विप्लव साधुवत्य अनस्नानंद अभिजाति शीति, कुछ नहीं देखता, देखता रहता है, इसीलिए इसका किसी के साथ विरोध नहीं। आत्म प्रकाशत्व आत्मा प्रकाश स्वरूप होने के कारण ब्रह्म स्वभाव स्वविरुद्धत्व, ब्रह्म स्वभाव का किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता, ब्रह्म स्वभाव स्वविरुद्ध। प्रश्न नंबर टिप्पणी, आत्म प्रकाशत्व आत्म प्रकाश आत्म स्वरूप सति स्वयं प्रकाशमान, आत्मा क्या होता है सबका स्वरूपभूत है और स्वयं प्रकाश है ना, इसलिए क्या होता है वो किसी का कोई अपेक्षा नहीं रखता। यदि जितना जितना आप अपने आत्मनिष्ठ होते जाएंगे आपका किसी से कुछ अपेक्षा ही मन में नहीं रहेगा, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रहेगा मन में, तद विपरीत मैं सबका अधिष्ठान हूँ, यदि किसी कुछ मदद कर सकते हैं वो करते हैं बिना किसी, है ना, क्योंकि मैं सबका अधिष्ठान हूँ, किसी के साथ मत किसी के साथ कोई विरोध नहीं। ये एक अद्भुत दर्शन है, यह स्पर्श योग इतना अद्भुत दर्शन है, और जब ध्यान कुछ भी करिए यदि इसके प्रति आप ध्यान नहीं रखते कि हमारे अंदर में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अंदर से परिवर्तन होता है। चाहे आप कितना सारे बिना तो सुनो, फिर भी यदि छोटा वस्तु छोड़ने के लिए हमारे मन में कठिनाई हो रहा है तो सुनना काम करता हूँ खरीद नहीं होगा। आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाश प्रकाश के कारण, फिर आगे और बोलते हैं, नहीं कस्यचित् आत्म प्रकाश विरुद्धो भवति, किसी के लिए भी कस्यचित् किसी के लिए भी आत्मा की प्रकाश कभी विरोध नहीं करता, कभी विरोध नहीं करता, इसीलिए किसी के साथ आत्मा का विरोध विवाद भी नहीं होता। विरोध होने से विवाद होता है, विरोध नहीं है विवाद नहीं है, इसीलिए बोलते हैं नहीं कस्य आत्म प्रकाश विरोध वो भगवती यथंत योग ज्ञान मार्ग से संप्रदाय आगतत्तम आह, ये जो योग मार्ग है ना मतलब स्पष्ट, ये जो है परंपरा से प्राप्त है। हमारा मांडू को कार्य का करने क्या बोलते हैं, हमारी बुद्धिनिष्ठ नहीं है, जैसे भगवान भाष्यकर तो बोलते हैं कि उसकी बुद्धि की वैश्य प्रज्ञा वैशाख भेद, परंतु मांडू कार्य का नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोलते हैं नारायण से प्राप्त होगा, नारायण से प्राप्त, इसलिए बोलते हैं यथक्त योग ज्ञान मार्ग से ही स्पर्श योग जो ज्ञान मार्ग रूपी है संप्रदाय आगतत्व में परंपरा से प्राप्त हुआ है ऐसा दिखाना है। जब इद्देश योग इस प्रकार के योग का उपदेश किया गया है, उस उपदेश का मतलब उपदेश किसी के द्वारा होता है उपदिष्ट, पिछले मतलब देशित मतलब ये उपदेश जो उपदेश हुआ है उपदिष्ट, उपदेश करने वाला को बोलते उपदेष्टा, ये उपदिष्ट उपदेश को शास्त्रेण शास्त्र के द्वारा तब नमामि हम उसको मैं प्रणाम करते हैं, मतलब क्या है तन नमस्कार व्याजेन तस्य स्तुति तद उपायेषु श्रोत्र प्रवृत्ति अर्थम, उनकी नमस्कार को माध्यम बना करके इस उपदेश को स्तुति करते हैं, क्यों सुनने वालों को इसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए कि ये कोई हमारी बुद्धि प्रभाव नहीं है, साक्षात नारायण से मिलता है, रोज बोलते हैं नारायण वशिष्ठ परंपरा से, इसलिए उपायेषु श्रोत्र प्रवृत्ति अर्थम उपायों में सुनने वाले की प्रवृत्ति के लिए एक है अत्र विवक्षित, यहाँ पे अभिप्रेत है इति आवश्यक मन में रखते बोलते हैं तम अहम नमामि मतलब प्रणमामि। तीन नंबर टिप्पणी, दो नंबर तीन यथोक्त यथोक्त तीन नंबर ब्रह्म स्वरूप से व्यापक मतलब यहाँ पे जो बोले ना जो स्पर्श जो मतलब क्या है ब्रह्म स्वभाव है ना, ये ब्रह्म स्वभाव से तीन नंबर है ना वो चाहिए दो नंबर वहाँ पे ठीक है तीन नंबर दो नंबर जैसे ठीक है ठीक है तीन नंबर तो आज दूसरा वाला होगा प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभिर जल निधे वेदनानन्तरस्थम ोरे समुद्रे कारुण्यामरे दूरभं भूतहे जसाम् पुच्छामि पुच्छं परमगुरुं नमः।
शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं शूद्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुनामेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।